दोस्तों, उसमें ट्रेडिंग करते टाइम एक इंसिडेंट हमारे साथ काफी बार रिपीट होता है और वो है अफसोस करना। अब यहाँ पर अफसोस की दो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। पहला अफसोस ऐसा है जिसमें कि हमारा लॉस तो नहीं होता लेकिन हम वन साइडेड मार्केट का पूरा फायदा नहीं उठा पाते और अफसोस में निकलते हैं ये वाले गोल्डन वर्ड्स, अरे यार जल्दी निकल गए, बैठे रहते तो माला माल हो जाते। और दूसरी तरीके का अफसोस जो होता है उसमें ऐसा होता है कि हम मार्केट के अगेंस्ट बैठे होते हैं और या तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर मार्केट की सिचुएशन से पैनिक होकर उसे हटा देते हैं। फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि इन्वेस्टेड कैपिटल का 20-50% या कभी कभी पूरा का पूरा ही डब्बा गोल हो जाता है। सही कहा ना मैंने? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके अफसोस से पूरी तरह से निजात दिलाने वाला है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड मिस करे वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एल्गोक्रैप का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जिस प्रॉब्लम की मैंने आज के वीडियो में बात की, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अगर आप इसकी रूट कॉज ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि रेगुलर मार्केट वॉच करने की वजह से हम पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ। अब प्रॉफिट वाले केस में तो ऐसा होता है कि जब आपके अकाउंट में पॉजिटिव फिगर्स दिखती है तो आपको लगने लगता है कि इससे पहले कि ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट की रेगुलर फ्लक्चुएशंस को देख रहे थे। इसलिए आप बिना ट्रेंड को जाने, बिना ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन लिए उससे एग्जिट हो जाते हैं और तभी आ जाती है मार्केट में एक रैली, जिसके बाद आपको वो सब देखकर फिर से गोल्डन वर्ड्स याद आ जाते हैं। वहीं जब आपका अकाउंट नेगेटिव में जाता है तो आपको लगता है कि अभी जो ये मेरा लॉस हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और फिर हमें याद आते हैं भगवान जी। फिर हम भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, इसे खिला दो तो मैं निकल के भाग जाऊंगा इस ट्रेड से। बट इससे पहले कि भगवान जी आपकी बात सुन पाए, वो ट्रेड आपकी लंका लगा चुकी होती है। अभी जो मैंने वाक्य आपसे डिस्कस किया है, ऐसा नहीं है कि ये आप ही के साथ होता है, हर तीसरे ट्रेडर की सेम ही स्टोरी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कैसा हो कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने आप बैठो ही ना, फिर भी आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल और प्रॉपर वे में होती रहे। प्रॉपर वे यानी आपके दिशा निर्देशों पर। जैसे कि अगर आपने कहा कि मुझे 1,000 रुपये से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए और 5,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर दें और अपनी दिनचर्या के कामों को निपटा लें, अगर आज से 10 साल पहले ऐसी कोई बात मैं करता तो शायद आप ये कहते कि ये पॉसिबल नहीं। बट आज की डेट में ये पॉसिबल ही नहीं, प्रॉफिटेबल भी है, और उसकी वजह है टेक्नोलॉजी में आया रिवॉल्यूशन। टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है और आगे मैं आपको एक टूल भी दिखाऊंगा जो इस सब ऑटोमेशन को करने का काम करता है और आपका टाइम और हार्डली अर्न मनी को बचाता भी है। तो दोस्तों, ये सब काम होता है एल्गो ट्रेडिंग। आजकल इंडिया में भी एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। विदेशों की अगर बात करें या स्पेशली मैं यूएसए की बात करूं तो आजकल वहां पर 90% ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग ही करते हैं। विदेशों की तर्ज पर आजकल इंडियन ब्रोकर्स भी एल्गो ट्रेडिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं और एपीआई दे रहे हैं। एपीआई माने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से हम किसी भी चार्ट या स्ट्रेटजी को ब्रोकर के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब एल्गो ट्रेडिंग का सेटअप कंप्लीट करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 स्ट्रेटजी, नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 3 एपीआई। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेटजी का, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी बढ़िया होगी तो प्रॉफिट भी बढ़िया होगा, अगर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तो प्रॉफिट भी अच्छा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, वो है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुपर ट्रेंड को नॉर्मल कैंडलस्टिक के साथ किस तरीके से यूज करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसको हाइकेनाशी के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मालूम है आपको हाइकेनाशी भी समझना होगा ना। हाइकेनाशी भी कैंडलस्टिक ही होता है बट एक अपग्रेडेड वर्जन का। इसमें कैंडल के ओएचएलसी के साथ कुछ गुना भाग करा जाता है और उसके बाद रिजल्ट निकल के आता है ये। नहीं, जो अब आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार है। बहुत सारे ट्रेडर्स का मानना है कि अगर हम सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर को नॉर्मल कैंडलस्टिक की जगह हाइकेनाशी पर यूज करें तो उस स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा इंप्रूव रिजल्ट मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे आपको उस स्ट्रेटजी को चार्ट पे अप्लाई करना है और कैसे लिंकिंग करनी है ताकि ट्रेड प्रॉफिटेबल हो बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के हो। तो सबसे पहले आपको इनके हो
तो सबसे पहले आपको एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए एक अकाउंट खोलना होगा एल्गो क्रैप की वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट पर जाने के बाद टॉप राइट पर आपको बटन दिखेंगे दो, उनमें से पहला वाला जो बटन वो साइन अप का है। साइन अप कंप्लीट होने के बाद आप एल्गो क्रैप के मेंबर बन जाते हैं और आपको मिलती है एल्गो क्रैप की सारी सर्विसेज फ्री 6 डेज के लिए। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके हिसाब से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद आपको अकाउंट में लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में अलग अलग काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता या आपको किसी भी चार्ट की जानकारी नहीं है तो आप इन स्ट्रेटजीज में से कोई भी एक स्ट्रेटजी चूज कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी मुझे आपको हाइकेनेशी के साथ सुपर ट्रेड दिखाना है। तो उसके लिए दोस्तों एल्गो क्रैब में जब आप आएंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाना होगा। जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाते हैं वहां पर आपको अपना ब्रोकर चुनना होगा और ब्रोकर चुनने के साथ साथ आपको ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, यानी कि आपको टोकन लेना होगा। अब मैं इसको भी थोड़ा विस्तार से आपको समझाता हूँ कि ये टोकन किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रोकर होते हैं वो आपको एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिस आईडी और पासवर्ड से आप उनके अकाउंट में लॉगिन करते हो और ट्रेडिंग करते हो। उसी तरीके से एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए एपीआई को हमें एक टोकन देना होता है। जब आप अपने आईडी और पासवर्ड ब्रोकर के पास डालते हो तो ब्रोकर को पता चल जाता है कि आप ही ये प्रोसेस कर रहे हो। उसके बाद वो एक टोकन देते हैं, जिस टोकन को हम स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उस टोकन को भेजते हैं और उस टोकन के सहारे से सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, क्योंकि ब्रोकर ऑथेंटिकेट कर पाता है उस टोकन से कि आप ही ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमें एक बार रोज सुबह 8 से 9 के बीच करना होता है। बहुत ही आसान है, आप चाहें तो मोबाइल आप चाहें तो पीसी से कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये सब लग रहा हो कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम सेटिंग है जो आपको सिर्फ एक बार करनी है, बार बार आपको नहीं करनी। अगले दिन आके सिर्फ आपको टोकन ही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला प्रोसेस आपने क्या किया, आपने एल्गो क्रैप पे अकाउंट बनाया और तो आपको 6 डेज का फ्री एक्सेस मिला। अब उसमें आपने आके अपना अकाउंट ब्रोकर का अकाउंट लिंक कर दिया है। ठीक है, ये दो प्रोसेस आपके कंप्लीट हो गए। अब जो तीसरा प्रोसेस है वो है स्ट्रेटेजी को लगाना। उसके लिए हम एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको MT4 मिलेगा, आप MT4 डाउनलोड कर सकते हैं और MT4 डेमो क्रेडेंशियल्स के लिए आप हमें नीचे हुए दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेटअप करना सही से समझ में नहीं आ रहा तो भी आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम खुद से आपका सेटअप प्रॉपरली कर देंगे और फिर हम आपको समझा भी देंगे कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है। ठीक है, तो MT4 डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से MT4 आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इंडिकेटर डाउनलोड करना है जो हाइकेनाशी और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है। उसके लिए आपको जाना होगा ब्रिज टूल के सेक्शन में और वहां पर आपको जाना होगा मार्केट प्लेस के सेक्शन में। तो जैसे ही आप मार्केट प्लेस के सेक्शन में जाएंगे सेकेंड नंबर पर आपको हाइकेनाशी ऑन सुपर ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने MT4 में आकर फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, MQL4 में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई नया फोल्डर बना सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको नेविगेटर विंडो में राइट क्लिक करना होगा और रिफ्रेश का बटन दबाना होगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन प्रेस करेंगे तो आपको आपका इंडिकेटर वहां पर नेविगेटर की विंडो में दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले आपको चार्ट लगाना है। चार्ट लगाने के बाद इसको डबल क्लिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सेटिंग्स जो दिखेंगी वो कुछ इस प्रकार। पहले की तरह सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एल्गो क्रैप का ईमेल और पासवर्ड डालना होगा जो कि आपने एल्गो क्रैप पर रजिस्टर किया था। उसके बाद यहाँ पर आती हैं सुपर ट्रेंड की प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने पिछले इंडिकेटर में भी आपको दिखाई थी, वही सेम प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। आप 10-4 10-3 जो आपको मर्जी आए आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इंट्राडे का ऑप्शन है, अगर आपको ट्रेडिंग को इंट्राडे करना है तो इसको इंट्राडे को ट्रू कर सकते हो। उसमें जो भी आप टाइम ड्यूरेशन डालोगे उस बिटवीन आपका ट्रेड होता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताता हूँ कि MT4 का जो टाइम जोन है वो आधा घंटा फास्ट होता है,
तो जैसे हमारे यहाँ पर जब 9:15 बजते हैं तो MT4 के टाइम में 8:45 का टाइम दिखाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8:45 लिखा है। तो आधे घंटे का आपको पहले डालना है जो भी टाइम डालोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एंड टाइम कि कब तक लास्ट ट्रेड करना है आपको। उसके बाद आता है मेट्रो का ऑप्शन। मेट्रो मतलब एज इट इज़ जैसा चल रहा है, बाय बाय सेल टू सेल। अगर कभी आप चाहते हैं कि मार्केट वन साइडेड है, जैसे अभी कुछ दिनों से निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखेंगे वन साइडेड को मूव कर रही है, आपको लगता है कि सिर्फ बाय के सिग्नल लेने हैं तो ओनली बाय पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि सिर्फ सेल के सिग्नल लेने हैं तो आप ओनली सेल पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा करने पे क्या होगा कि जब भी बाय का सिग्नल आएगा तो आपका बाय होगा, और सेल के सिग्नल आने पे आपकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से जब बाय की पोजीशन आएगी तो आपका बाय होगा, ठीक है। ये अलग अलग ऑप्शन हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस को ऑन करेंगे, और ऑन करने के साथ साथ यहाँ पर स्टॉप लॉस के मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन। अगर ट्रेलिंग और ब्रेक इवन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में आप आराम से इसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा ब्रीफली बताया है कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप और ब्रेक इवन काम करते हैं। तो उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस के पॉइंट डालने पे। जितने भी पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद आते हैं ट्रेलिंग स्टेप इन पॉइंट, जो कि ट्रेलिंग मेथड में यूज़ होगा। उसके बाद है आपका टारगेट का ऑप्शन, टारगेट ऑन करना है या ऑफ रखना है। अगर आप टारगेट से लगाना चाहते हो तो टारगेट को ट्रू कर सकते हो, और जितने भी पॉइंट का यहाँ पर आप टारगेट रखोगे वो टारगेट सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका अलर्ट का ऑप्शन, यानी कि आपको अलर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। जो मान लीजिए आप 60 के साथ चार्ट चला रहे, साथ साथ आपका अपना कुछ काम भी कर रहे हो, तो अगर आपको चाहिए कि आपको पता चल जाए कि भाई कब सिग्नल आए, तो उसके लिए आप अलर्ट को ट्रू कर सकते हो। जैसे ही नया कोई सिग्नल बनेगा आपके आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, आपको उसका एक पॉपअप दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं री एंट्री के ऑप्शन को। जब भी आप ओनली बाय या ओनली सेल सेलेक्ट करेंगे तो री एंट्री को आपको ट्रू करना है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपने ट्रू नहीं किया तो आपका सिर्फ एक ही सिग्नल पे ट्रेड होगा, उसके बाद ट्रेड ही नहीं होगा, क्योंकि वो री एंट्री कंसिडर होती है, और री एंट्री पर ट्रेड करने के लिए इसको ट्रू करना पड़ेगा। इसको आप ट्रू कर दोगे तो जब भी बाय के बाद कोई बाय की एंट्री आएगी ओवर बाय, अगर आपने बाय टू बाय रखा है यानी कि ओनली बाय रखा है, तो जैसे ही बाय के बाद नया बाय आएगा तो ट्रेड कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये ट्रू फॉल्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती हैं एल्गो ट्रेडिंग की इनपुट्स। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हो ट्रेड्स तो कैसे कर सकते हो, इसको ट्रू करना है आपको। यहाँ पर ट्रू करने के बाद नीचे यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की आपसे मांगी जा रही हैं, वो आपको एल्गो क्रैप के प्लेटफॉर्म पर मिलती है। MT4 ब्रिज पर जब आएंगे और कोई भी एक सिंबल जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपको उसकी यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की मिल जाएगी। लेट सपोज मुझे टाटा कॉफ़ी करना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा मुझे एक यूज़र की और एक इंस्ट्रूमेंट की मिल गई है। ये दोनों कीज़ हमें यहाँ पर सेव कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पर सेट कर देना है नॉर्मल करना है, रेगुलर करना है, और मार्केट करना है, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी डालनी है, मान लो 12 या 10 जितना भी आपको क्वांटिटी डालना है वो आप यहाँ से डाल के इसको ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो आपको चार्ट में कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें कि अभी ये बता रहा है मैंने इसको SBIN के सिंबल में लगाया है, ठीक है। जब अगर आप SBIN का सिंबल यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको SBIN का सिलेक्ट करना होगा। मैंने टाटा कॉफ़ी किया है, आपने SBIN लगाना है तो SBIN ही करना है। तो जो सिंबल आप यहाँ पे लगाएंगे वो सिंबल ही आप चार्ट खोलिए। अब यहाँ पे सेल के सिग्नल में आप देख सकते हो कि सिग्नल था 530 रुपये पर सेल आया है। अभी जो प्राइस है वो 529 रुपये 90 पैसे चल रहा है। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, वो 56 पॉइंट का प्रॉफिट इसने दिया अभी तक, जितना भी चार्ट में डेटा है उस पूरे डेटा के अंदर, ठीक है। अगर आप एरो टू एरो ट्रेड करते हैं, अगर आप एरो टू प्रॉफिट ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर सेट करता हूँ कि मुझे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए और 5 पॉइंट का टारगेट चाहिए, तो उसके बाद ये क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। उसके लिए आपको ट्रू भी करना होगा स्टॉप लॉस टारगेट को। मैंने ट्रू कर दिया, मैंने 5 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया। अब जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये बता रहा है कि अगर 5 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से मैं रखूँगा तो 29 ट्रेड में 13 पॉइंट का प्रॉफिट होगा हमें। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये टारगेट लग गया, ये अभी पोजिशन पड़ी है, उसके बाद ये कटी नहीं अभी। अगर आप यहाँ पर देखें नॉर्मली, अगर ये यहाँ पे आप देखोगे 2 रुपये के आसपास का आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट मिलना संभव है। मान लीजिए आप 2 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट रखते हैं तो फिर आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैंने इसको 2 रुपये कर दिया, आप 2 रुपये के हिसाब से 14 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि कहीं पर स्टॉप लॉस कहीं पर टारगेट, इस तरीके से आपकी पोजिशन यहाँ पर कट रही हैं और बन रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हिकेनएशी पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल कैंडल पे यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप ट्रेडिंग व्यू या और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो और हिकेनएशी लगाते हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हिकेनएशी और सुपर ट्रेंड पे भी ट्रेड कर सकते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें
और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।